घुमारवीं में संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के ग्राम केंद्र प्रमुखों के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, सांसद अनुराग ठाकुर, संसदीय क्षेत्र प्रभारी रणधीर शर्मा, संसदीय क्षेत्र के सभी ग्राम केंद्रों के प्रमुख, जिला अध्यक्ष, महामंत्री, मंडल अध्यक्ष व महामंत्री शामिल रहे। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि भाजपा परिवार एकजुटता का प्रतीक है, एक व्यक्ति को प्रमुखता नहीं दी जाती है जैसा कि दूसरी पार्टी में है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी भारी जीत दर्ज करेंगे और केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार सत्ता में आएगी। आने वाले लोकसभा चुनावों से संबंधित भारतीय जनता पार्टी ने अगले मई महीने तक एक पूरी रूपरेखा तैयार की है। हम ये मान करके चलते हैं अप्रैल लास्ट में और मई शुरू में हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव होंगे। उस कड़ी में आज हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के हमारे ग्राम केंद्र इंचार्जों का सम्मेलन था। इस तरह के कार्यक्रम चार लोकसभा क्षेत्रों में हम लोग कर रहे हैं। आज यहाँ संपन्न हुआ, 21 तारीख को कांगड़ा का था, 28 को नाहन में शिमला जिला पार्लियामेंट का है और मंडी का सुंदरनगर है। इन कार्यक्रमों का मुख्य मकसद जो हमारा है कि आने वाला लोकसभा चुनाव बूथ स्तर के ऊपर किस तरह से जीता जाए, हर ग्राम केंद्र इंचार्ज के पास जो बूथ है उसमें लीड आए और ग्राम केंद्र इंचार्ज अपने कामों को समझे, उसका क्या कर्तव्य है, और भारतीय जनता पार्टी हर बूथ से ऊपर जीत करके जाए और चारों की चारों सीटें अब नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालें और हिंदुस्तान के अंदर फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाएं। ऐसी एक पूरी रूपरेखा हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। उसी कड़ी में जो सम्मेलन था और इसके बाद हम लोग 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी, एकता के लिए दौड़ हर मंडल में कर रहे हैं, क्योंकि सरदार पटेल जी की पुण्यतिथि उस दिन है और सरदार पटेल जी का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में 182 मीटर ऊंचा बना, उसका जो शुभारंभ है, उसका जो अनावरण है, वो नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री उस दिन कर रहे हैं। और इसके बाद हम हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर महात्मा गांधी जी की जो 150वीं जयंती चल रही है उसको लगभग 150 किलोमीटर पद यात्रा हर विधानसभा के अंदर कार्यकर्ता जाए और गांधी जी के संदेश को लोगों को पहुँचाएं, ये कार्यक्रम हमारा आएगा। और अभी पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन हमारे चारों पार्लियामेंट के होंगे, जिसमें नवंबर में मंडी का, दिसंबर में शिमला का, जनवरी में कांगड़ा का और फरवरी में हमीरपुर पार्लियामेंट का। तो उसमें 40,000 लोग हमारे आएंगे और उस तरह से पार्टी का जो अभियान है, चुनावी अभियान, वो शुरू किया है और उसी कड़ी में आज जो सम्मेलन हुआ है और उसमें लगभग 95% उपस्थिति जिनको हमने बुलाया था वो लोग आए। सांसद अनुराग ठाकुर ने केंद्र की योजनाओं को बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आम जन के लिए बहुत योजनाएं शुरू की हैं, जिससे हर वर्ग का व्यक्ति लाभान्वित हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्राम केंद्र अध्यक्ष पार्टी के कार्य की धुरी हैं और अपना बूथ सबसे मजबूत कार्य को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का श्रेय ग्राम केंद्र अध्यक्षों को ही जाता है। वहीं रणधीर शर्मा ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए आह्वान भी किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि हर कार्यकर्ता जमीनी स्तर से कार्य करे, मोदी सरकार की गृहिणी योजना उज्ज्वला योजना को हर व्यक्ति तक पहुंचाए ताकि लोग इसका लाभ ले सकें। उन्होंने भाजपा की केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल की कीमतों में की गई कमी का भी उल्लेख किया।